प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रोजगार मेला ने संबोधित करता व्या कया कि भारत आज नवी नीति और रणनीति माते चलता व्या तेजूस आत्मनिर्भरता री कानी बढ़ रहे है। वे कया कि कदे आयात माते निर्भरता आलो डिफेंस इक्विपमेंट न केवल भारत माए बन रहा है बल्कि निर्यात भी कराया जा रहा है। इनसो रोजगार रा अवसर बढ़ा है। प्रधानमंत्री इन मौके 71,000 नव नियुक्त कर्मियों ने नियुक्ति पत्र भी प्रदान कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 71,000 नए भर्ती हुए लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को भी संबोधित किया। देशभर से चुने गए इन लोगों की नियुक्ति भारत सरकार के कई विभागों में विभिन्न पदों पर होंगी। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 22 अक्टूबर को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने के अभियान की शुरुआत करते हुए रोजगार मेले के पहले चरण की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा, विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। विकसित भारत की संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार के साथ ही गुजरात से लेकर असम तक, उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में सरकारी नौकरी देने की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच भारत को दुनिया एक ब्राइट स्पॉट के तौर पर देख रही है। आज का नया भारत अब जिस रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं।